तो हेलो गाइस, तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को ज्वाइंट कैसे किया जाता है तो ये बताने वाला हूँ आप लोगों को। इसकी वजह से आप लोगों या तो सेटअप बॉक्स खराब हो जाता है या एलएम भी खराब हो जाता है कि आप लोग सही तरीके से ज्वाइंट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आती है। ज्वाइंट आप लोग कैसे करते हो मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद में सही तरीके से कैसे ज्वाइंट किया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, इस जाले को एक साइड में करना है। आप लोग क्या गलती करते हो पहले वो बता देता हूँ। ये गलती करने से ही आप लोगों की सेटअप बॉक्स खराब होता है। ज़्यादातर सेटअप बॉक्स में पहली बात तो लाइट ही नहीं आती है। जब आप इस वायर को पीछे की तरफ लगाओगे आप लोग डिसकनेक्शन वाले पोर्ट में, तो आप लोगों की लाइट नहीं आएगी, जिस यह मेन प्रॉब्लम इसी की होती है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यह आप लोग क्या करते हो, इन दोनों तारों को ऐसे लिया और इस तरीके से कर देते हो, बस यहाँ यह वाली ही गलती कर देते हो, जिसकी वजह से ये वाले टच हो जाते हैं। यहाँ पे जो ये ऊपर ये कवर है यह भी टच होके ये ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या करना आप लोग, अच्छा है अगर आप लोगों को ये मिल जाए, ये दो पिन लेनी होगी आपको, कनेक्टर ये वाले कनेक्टर और ये एक सॉकेट लेना होगा, जॉइंटर बोलते हैं इसको। तो इसे किस तरीके से लगाना है आप लोगों को, ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने बता दी। अब इसे किस तरीके, अगर ये नहीं मिले आप लोगों को तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये वायर ऐसे छील लिए दोनों को, और इसके ऊपर जो ये पन्नी है इस पन्नी को हल्का सा कुछ इस तरीके से करना है। इस तरीके से करने के बाद में क्या होगा, इस पन्नी को आप लोग ऐसे उतार लेना है एक साइड में, इस तरीके से जैसे मैंने आसानी से उतार लिया इसे इस तरीके से। अगर आप लोगों को इस पन्नी को ऐसे उतार लेना है, पन्नी को उतार लेना है और दोनों की पन्नी को उतारना है, इसे भी इस तरीके से पन्नी को उतार लेना है। पन्नियों को उतार के इसे ऐसे यहाँ से टाइट कर देना है दोनों को। तो एक तो ये हो गई, इस तरीके से कर सकते हो आप लोग, जिससे आप लोगों के सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं इस वायर के अंदर ये कनेक्टर किस तरीके से लगाना है आप लोगों, कनेक्टर लगाना भी सही होना चाहिए, कनेक्टर में भी प्रॉब्लम होती है। कनेक्टर कैसे लगाए जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से इतना छील लेना है इसे, और इसे यहाँ से कट करना है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ आगे से कट कर देते हो जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसे यहाँ से कट कीजिए आप लोग और इसको यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए। ये करने के बाद में आप लोगों को क्या करते हो, एक छोटी सी गलती करते हो, इसे पिन के अंदर डायरेक्ट लगा देते हो। डायरेक्ट नहीं लगाना आप लोगों को, कुछ इस तरीके से ये कर लेना है इसे इस तरीके। यहाँ पे जो भी हल्की सी भी जाली लगी हुई है वो साइड में हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को पिन को लेना है इसे, और पिन को लेने के बाद में इस तरीके से इसे पंच कर दीजिए इसमें, और इसे घुमाते जाइए इस तरीके से। तो ये एकदम सही हो गई है इस तरीके से, और इसी के इस साइड में एक और लगा लेते हैं पिन इसी को। तो आप लोगों को मैंने बता दिया आसानी से किस तरीके से, अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो आपके सेटअप बॉक्स में वापस इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना ही ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस इस जो जाली है इसे पूरा साइड में करना है, यहाँ से इस जाली को साइड में कर लीजिए इस तरीके से, और इसी पिन को लगा दीजिए इस तरीके से। अब ये आपकी पिन लग गई, इसे जो एक्स्ट्रा भाग है उसे कट कर देता है यहाँ से इस तरीके से, और ये जॉइंटर है इस जॉइंट को कुछ इस तरीके से लगा लीजिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से आप लोगों को करना है, आसानी से हो जाएगा और आप लोगों की इस जॉइंटर में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये हो गया एक अच्छा जॉइंटर वाला कनेक्शन। तो एक तो मैंने ये बता दिया इस तरीके से करना है, दिखाई दे रहा होगा ये दोनों अब टच नहीं है कहीं से भी, एकदम सही है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे।